नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रतापगढ़ मानव अंग तस्करी की छोटे शहरों की ओर, पथरी का ऑपरेशन किया, नजर बनी रही किडनी पर। 17 अगस्त 2022 को पथरी का मरीज सचिन उम्र 18 पुत्र राजकुमार वर्मा निवासी चौखर मौजा देवापुर थाना लालगंज अक्षत नर्सिंग होम बसिड्डा के पास प्रतापगढ़ में भर्ती हुआ। 22 अगस्त 2022 को पथरी का ऑपरेशन उपरांत निष्कासित हुआ। दाहिने पेट की तरफ दर्द होने पर लालगंज में अल्ट्रासाउंड कराया, दाहिनी किडनी नहीं दिखने की रिपोर्ट मिली। परिजन मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में जांच करवाया, दाहिनी किडनी नहीं दिखने की रिपोर्ट मिली। कुमुद हॉस्पिटल प्रतापगढ़ में जांच कराया, दाहिनी किडनी नहीं दिखने की रिपोर्ट मिली। परिजन का कहना है कि अक्षत नर्सिंग होम में पथरी के ऑपरेशन के पूर्व कहीं कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। अक्षत नर्सिंग होम में पथरी ऑपरेशन के पूर्व पेट में दर्द होने पर मरीज सचिन का जांच अहमदाबाद गुजरात में जांच हुई थी, तब दोनों किडनी रिपोर्ट में पुष्टि की गई है, परिजनों ने बताया। मरीज सचिन के पिता भट्ठा पर दिहाड़ी मजदूर है, मजदूरी से घर का पेट पालते हैं। नगर कोतवाली प्रतापगढ़ को तहरीर दिए 2 दिन बीत चुके हैं, अभी FIR दर्ज नहीं किया गया। नगर कोतवाली पुलिस का कहना है कि CMO को पत्र भेजा गया है, CMO जांच टीम गठित करेंगे, आंख्या आने पर FIR दर्ज की जाएगी, मेडिकल का मामला है। कहीं न कहीं जिला प्रशासन सुस्त दिखाई दे रहा है। CMO गिरेंद्र मोहन शुक्ल का कहना है, मुझे अभी पत्र नगर कोतवाली से नहीं मिला है, पत्र मिलने पर कमेटी गठित कर जांच करवाई जाएगी। संवाददाता आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। बताइए क्या समस्या है? हमारी समस्या है, मेरे लड़के के पेट में पथरी गई, अल्ट्रासाउंड कराए उनके अक्षत नर्सिंग होम में लग गए हैं, इनके ऑपरेशन कराए। पथरी का ऑपरेशन अक्षत नर्सिंग होम, हाँ, प्रतापगढ़ बसड्डा के पास कब आपने करवाया था? 17/8/22 को करवाए थे। तब उनके यहाँ ये ऑपरेशन पथरी का होने के बाद कितने दिन बाद दर्द हुआ, तब आपको जानकारी हुई कि किडनी नहीं है? दर्द हुआ 6 महीने के बाद। अच्छा, तब आपने ये किडनी नहीं है, कहाँ कहाँ जांच करवाए आप? सामर्थ, अल्ट्रासाउंड, कुमुद और मेडिकल कॉलेज भी तो करवाए हैं, वहाँ भी वो लोग लिख रहे हैं कि राइट किडनी नॉट विजुलाइज, नहीं दिख रही जी। है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा आरोप अक्षत नर्सिंग होम बसड्डा के पास, हाँ, प्रतापगढ़, डॉक्टर जो ऑपरेशन किए थे उनका क्या नाम है जो चलाते हैं नर्सिंग होम? AC त्रिपाठी। अच्छा, AC त्रिपाठी, डॉक्टर AC त्रिपाठी के ऊपर आरोप है, हाँ, कि उन्होंने पथरी के ऑपरेशन के बहाने किडनी भी, हाँ, निकाल दी। पथरी पथरी कहाँ पे थी जो है, मतलब कि पथरी कहाँ पे, गुर्दे में या नहीं? एक पेट में है, किडनी बगल में पथरी रही। अच्छा अच्छा, तब आप इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ शिकायत किए या पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, कहाँ पे तहरीर दिए? SP को प्रार्थना पत्र दिया। तो वहाँ से मतलब आप कब दिए हैं तहरीर आप? परसों। क्या कार्रवाई अब तक कुछ पता किया आप लोगों ने? अबे कुछ नहीं है, पता नहीं। इनका पेशेंट का नाम बताइए जो है, इनका नाम, पिता का नाम? राजकुमार। ग्राम सभा चौखड़ देवरपुर, थाना कौन लगता है? लालगंज धारा। तो आप लोग इस संबंध में जो है कार्रवाई चाहते हैं, कानूनी जी, उचित कार्रवाई, दंड की जाए, इनको दंडित किया जाए।